स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विदेशिक में। देखिए पीसीएस प्री एग्जाम जीएस पेपर वन हो चुका है आपका, तो जो हमारे पास पेपर मिल चुका है तो हमने इसके लगभग मैक्सिमम आंसर की निकाली है। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स पूरा जो इसका है अभी आंसर की तैयार हो रही है, मैं 50 से 60 क्वेश्चन इसमें नियर अबाउट कवर किया हूँ, जितना हो सके आप देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि अभी वो आंसर की बन रही, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा पेपर बहुत ही टफ आया था, ये आपको एग्ज़ाम दे के पता चल जाएगा, चल चुका होगा। और कल मैं बताऊंगा पूरी इसकी जो अब कट ऑफ वगैरह होनी है सब एनालिसिस करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों से लगातार रिव्यू आ रहा है। तो चलिए पहले आंसर क्यों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए रैंडमली मुझे क्वेश्चन भेजा गया है तो मैं बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि भारत के सबसे बड़े चरखे का के संदर्भ में जो था, तो देखिए नोएडा में हुआ था, प्लास्टिक कचरे से बना था, स्मृति ईरानी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो इसका आंसर सी सही है। सफ़ेद रक्त जो होता है आपका तिलचट्टे का होता है, ये भी सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु किस पौधे के जड़ में होता है, तो देखिए इसमें डबल टिक है जिसमें, वो ज़्यादातर सही है, तो ये दाल में हो जाएगा। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, फिलहाल तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 148, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन जो निम्नलिखित जो दे रखे हैं चीज़ें, तो इसमें बताना है, तो रियान मेरे अकॉर्डिंग आंसर सही होगा, देख लीजिएगा आप। थोड़ा सा अगर आंसर डिफरेंट होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दूंगा। नेक्स्ट आपका कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो कपास में प्रोटीन नहीं होता है, सेलुलोज पाया जाता है, इसको देख लेना है। थर्मस फ्लास्क, ये इसका आंसर संचालन हो जाएगा, ठीक है, कंडक्शन की जो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट फ्रेंड इसमें पूछा गया भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौशल के लिए, तो ध्रुव इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 138 का, तो इसमें देखिए ग्रेटर थनबर्ग काफ़ी लाइमलाइटेड है इस टाइम, तो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं स्वीडन की। उषा किरण खान को भारत भारती सम्मान से विजेता हैं इसमें, पीडीएफ के फॉर्म में जो दिया था मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कह सकता, लेकिन 15-20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का था वो फंसा हुआ है, ठीक है, तो इससे आंसर इनका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2019 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, 80% बच्चों ने एक्स्ट्रा डिप्लोमा मारा है। इसमें किया गया है कि इनको दिया गया, दूसरी महिला को दिया, इन्होंने नाम पूछा था पहली महिला को, तो एलिनार ओस्ट्रम हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका सितंबर 2019 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति में किस अवधि में है, तो 2019 से लेकर 29 का है, पूरा 10 सालों का है। नेक्स्ट आपका पूरा भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, तो ये है आपका मैसूरू में। भारत द्वारा भूमि रक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, देखिए चंद्रयान 2 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये इसका रॉकेट ही पूछ लिया गया था, GSLV मार्क 3 M1, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कार्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये है क्वेश्चन आपका 1977 में अस्तित्व में है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, तो ये गलत है, मुख्य सचिव होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में थे, कौन से राज्य लागू होते हैं, तो देखिए त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर, ठीक है, ये हैं, अगर आपका सिक्किम और नागालैंड ये नहीं है, तो आपका ये है त्रिपुरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका वर्ड से पूछा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखिए सब सही है लेकिन प्रतिषेध 2B certified ये सही नहीं है, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका धन विधेयक भारत के संविधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन, तो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट आपका मतलब बिहार से अमलेखगंज के बीच में है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्वरूप, तो ये 83वें सत्र में जो दिया गया था बाकू अजरबैजान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन IMF के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक, तो इसका क्रिस्टीना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया, ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया था, 1976 सही हो जाएगा। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, तो ये सही होना चाहिए, इसमें शिक्षण संस्थान को ये परिभाषित करता है, ठीक है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, तो ये भी सही है, इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट आपका भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन इस जो ऑप्शन है इसमें ये गलत है, इसमें केवल एक आंसर सही हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ये चौथी अनुसूची में है, तो इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के 11वें सूची में कितने विषय रखे हैं, तो ये 1992 में किया गया था अमेंडमेंट, आपको बताया था मैंने, तो ये 29 वाला आंसर हो जाएगा, इसका 29 विषय रखे। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था, देखिए आयोग के अकॉर्डिंग पूछा गया था, अभी जलियांवाला बाग कांड का जो आपका 100वां वर्ष पूरा हुआ है
उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में काफ़ी घुसा के अंदर से पूछा हुआ है। तो ये ईयर अगर आप जानते रहेंगे तो आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। जैसे फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 1915 में, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 1919 में, 46 में शाइमन कमीशन हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है INA के अधिकारी को मुकदमा चला गया था, तो रेड फोर्ट आपका था दिल्ली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका बी वाला आंसर सही होना चाहिए। जो आंसर कंफर्म हो जाएगा मैं उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दूंगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है, तो ये है देखिए भारतीय राष्ट्रीय पंचांग सख संवत के अकॉर्डिंग चलता है, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग नहीं चलता, और राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 1950 में नहीं अपनाया गया था, तो न तो एक न तो दो, ये दोनों भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी मेहनत की, जल्दी जल्दी में इसका आंसर की निकालने का कुछ पता था, कुछ निकाला गया। देखिए 115 नंबर अभी भी डाउट में है, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको टाइप करके। नेक्स्ट 116 नंबर, तो देखिए इसमें जो तुगलक नामा है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है, लेखक है इसके इब्न बतूता नहीं है, तो ये आंसर सी सही हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट आपका 1872 में किया था इसका, आई थिंक आप जानते भी होंगे। देखिए पाबना विद्रोह, संथाल विद्रोह फिर से रिपीट किया है, तो पाबना विद्रोह जो आपका 1855 से 56 के बीच में था, सॉरी संथाल विद्रोह, और जो पाबना था 1873 से 85 के बीच में, तो इसी को अकॉर्डिंग इसका आप आंसर कर सकते हैं, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए भारतीय थल सेना अधिनियम 1927, ये बिल्कुल सही है। इसका सांप्रदायिक निर्णय जो कम्युनल अवार्ड गांधी जी के बीच में हुआ था, समझौता हुआ था 1932 में, तो उसके ही अकॉर्डिंग इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, तो ये बिल्कुल सही था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, देखिए सूफी संतों ने नहीं अपनाया, तो उनका डायरेक्ट गॉड से कॉन्टैक्ट था, इस तरीके से वो चीज़ें मानते थे, तो आंसर ये सही हो जाएगा। देखिए और भी सारे क्वेश्चन हैं बट कुछ डाउट में है, मैं जल्दी आपकी आपको पूरी आंसर की प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ और फ्रेंड्स की, देखिए अभी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में नहीं होना, क्योंकि पेपर बहुत ही हार्ड आया था, और मैं जितनी भी क्वेरी किया हूँ उसमें ज़्यादातर मैं लोगों से पता किया हूँ, तो 90-100 इससे ऊपर बहुत ही रेयर लोग गए हैं, और जो गए हैं तो समझ लो उन्होंने तुक्का किया है, इसके लिए परेशान मत होना। और जो बहुत ही वेल एजुकेटेड रहे होंगे, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, वही 100 के ऊपर सही क्वेश्चन किए होंगे, तो इसकी कट ऑफ वगैरह भी काफ़ी कम जानी है, आपको परेशान नहीं होगा। सेकेंड पेपर GS पेपर 2 का भी आंसर की मैं जल्दी ही दे दूंगा पेपर होने के बाद में, तो पहले इसकी पूरी आंसर की निकालता हूँ, ठीक है। और तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।